The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. रायसेन जिले के बाड़ी बरेली और उदयपुरा शहर को 4 अगस्त तक लॉकडाउन किया गया है, जिससे भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन पर ग्रहण लग गया। लॉकडाउन के दंश से उबरने के लिए छोटे बड़े सभी व्यापारियों ने रक्षाबंधन पर्व पर राखियों को ऊंचे नीचे भाव में कर्ज लेकर दुकान में राखियां तो भर ली, लेकिन लॉकडाउन लगने से कुछ व्यापारी की कमर पूरी तरह टूट गई और कर्ज आ गए। वहीं बहनें भी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए अपने साधन से मायके आ रही हैं और बंद दुकानों से मनमाने भाव पर राखी रुमाल खरीदने पर मजबूर हैं। तहलका इंडिया न्यूज के लिए रायसेन से नीतीश मेहरा की रिपोर्ट। लॉकडाउन से हमको बहुत नुकसान हुआ है। हमारे साथ में मिलने वाले जो 20 व्यापारी हैं कम से कम, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। जो 10 रुपए का सुबह अपना सामान खरीदते हैं, 50 रुपए का 10 रुपए के बेच के अपना पेट पालन करते हैं। ऐसे 50 व्यापारी हैं जो अपनी भरपूर्ति करते हैं, लेबर हो चाहे कोई व्यक्ति हो। आपने ये रक्षाबंधन माल कितने? हमने रक्षाबंधन पे 75,000 रुपए का माल भरा है। हमारे पूरे अभी 20,000 पूरे नहीं हुए, इसको हमको बहुत कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। अब ये 2 दिन का टाइम बचा है, 3 तारीख को रक्षाबंधन है। अगर सरकार से या प्रशासन में आपकी दुकान की इजाजत नहीं दी तो आपको कितना नुकसान होगा? हमको कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान होगा। हमने जो पैसा दूसरे से लिया वही पैसा पूरा नहीं हुआ, आगे कितनी परेशानियाँ होंगी। माल पूरा रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, माल पूरा रखा है। एक दिन खोलने का मौका दिया जाए, पहली बार देखा है ऐसी परेशानियां जब शासन में हो रही हैं। अभी तक हमने ऐसी परेशानियां नहीं देखी, पहली बार इतनी परेशानियां हो रही हैं। सर, ये रक्षाबंधन के चलते कई गरीब लोगों ने राखी अपने उधार बाड़ी करके धंधे के चक्कर में लेके आए, तो क्या इन लोगों के लिए घंटे का समय नहीं मिल सकता रक्षाबंधन को देखते हुए? बरेली अनुभाग में 4 तहसीलें हैं, बाड़ी, बरेली, देवरी, उदयपुरा। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि पहले से ही हमारे बरेली तहसील में कोरोना के पेशेंट एक एक दो करके प्रतिदिन मिलने लगे। टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ाई थी, लेकिन इसी बीच में वहाँ पे एक निजी प्रैक्टिस डॉक्टर गोगिया और डॉक्टर पलोट मैडम, ये दो डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर डे काफ़ी संख्या में है, यहाँ तक कि आसपास के जिलों में काफ़ी ग्रामों में आना जाना है। उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ढूंढना असंभव हो गया था। इस कारण अत्यावश्यक सेवा को देखते हुए लॉकडाउन स्थिति में निश्चित परिस्थिति पैदा हो गई थी। और इसके अलावा 2 निजी डॉक्टर जो बंगाली डॉक्टर कहलाते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस काफ़ी थी, वो डॉक्टर आ गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पारतलाई बाड़ी तहसील में है, उसमें भी निजी डॉक्टर ने इलाज किया है, तो उस इलाज में काफ़ी लोग हमारे प्रभावित हो गए। प्रभावित यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बताना असंभव हो गया। ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं था, प्रशासन के संज्ञान में आया, प्रशासन के संज्ञान में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है और अभी भी स्थिति ये है कि एक दो पर डे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को कड़ाई से पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही जनजीवन प्रभावित होगा। नाम है सर आपका? विनोद साहू। इस लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? नीतीश जी, ये लॉकडाउन में, चलो मार्च में तो हम लोग समझ नहीं पाए, एकदम से लॉकडाउन लगा जी, उसमें लोग परेशान हुए, अपने धंधे पानी चौपट हो गए लोगों के, जैसे तैसे पटरी पे आ रहे थे जी। तो ये शासन ने फिर बाड़ी, बरेली, उदयपुरा को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि इसी सप्ताह में हमारे यहाँ पे बहुत से त्यौहार है, अभी रक्षाबंधन है, फिर इसके बाद गणेश जी है, दुनिया की चीजें हैं, ये सब चीजों पर ग्रहण सा लग गया। ईद जैसी चीज पे भी कोई चीज नहीं मिल पाई, ईद भी सूखी गई लोगों की। इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्हें राखी लेके आए थे, जो टेलर लोग थे या जो और लोग थे, जो सोचा चलो अब 2 पैसे इसमें कमा लेंगे, वो शासन ने कमाई खत्म कर दी जी। हम मानते हैं कि ये बीमारी गंभीर है, इससे बचना चाहिए जी, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को भी मानते हैं कि ये बीमारी बहुत गंभीर है जी, लेकिन प्रशासन को भी दूसरे मानवीय पक्ष में देखना चाहिए कि आखिर जनता जाएगी कहाँ जी, क्या कमाएगी, क्या खाएगी, घर कब तक बिठाल के रखोगे आप जनता को जी, कब तक लॉकडाउन रखोगे भाई, उनके उनसे पूछो तो उनके दिल पे क्या गुजर रही है।